तो ये कहानी है सन 2016 की, 2016 के 27 फरवरी 2016 शनिवार की रात की। मुंबई के ठाणे इलाके के केसरवाड़ावली नाम की जगह पर अनवर वारेकर और उसकी पत्नी अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करते थे। अनवर वारेकर का एक बेटा हसनैन वारेकर, जिसकी उम्र 35 साल थी, उसकी एक बीवी थी, दो बच्चे थे। और जो अनवर वारेकर है उनकी 4 बेटियां थी, 3 की शादी हो चुकी थी और एक बेटी थी उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी उम्र थी करीब 29 से 30 साल। और ये थोड़ी मेंटली चैलेंज थी, मानसिक रूप से विकलांग थी, स्पेशली एबल थी। अब हसनैन वारेकर जो है ये कॉमर्स में ग्रेजुएट था, सीए की पढ़ाई इसने कर रखी थी और ये एक सीए फर्म में काम करता था। अब जो वारेकर फैमिली थी, इनका एक चीज़ होती थी, इनका एक एज अ रिचुअल तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये एक हर सैटरडे को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे। हर फैमिली मेंबर का वीकली टू वीकली नंबर आता था, एक बार कोई दूसरी बहन देगी, एक बार कोई दूसरी बहन देगी, एक बार कोई तीसरी बहन देगी और एक बार हसनैन वारेकर जो है ये देंगे। तो इस तरह से इनका वीकली बेसिस पर चलता रहता था कि एक फैमिली गेट टुगेदर रखते थे। तो ये जो 27 फरवरी 2016 की तारीख थी, शनिवार की तारीख थी, इस दिन बारी थी अनवर वारेकर और हसनैन वारेकर की पार्टी देने की। तो अब हसनैन वारेकर सारी बहनों को बुलाता है, सारी बहनें आती है, लेकिन इसमें एक बहन थी जिसका नाम था सुबिया, तो वो किसी वजह से आ नहीं पाती। तो हसनैन वारेकर अपने खुद से इनिशिएटिव लेकर जाता है और सुबिया को भी लेकर आ जाता है। इसके अलावा इन तीनों बहनों के अलावा ये उनके हस्बैंड को बोलता है कि आपके लिए पार्टी आज नहीं है, आपके लिए पार्टी होगी कल, यानी कि संडे के दिन। और अलावा इसके वो 3 लोगों को और बुलाता है, ये वो लोग थे जिससे इसने काफ़ी सारा कर्जा ले रखा था। हालांकि हसनैन वारेकर की तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम पर सीए होना काफ़ी बड़ा ओहदा माना जाता था और तनख्वाह तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी होती थी। तो इन 3 लोगों को जो इसके डेप्टर्स थे, जिसने इसको कर्ज दे रखा था, उनको भी बुलाया जाता है। अब हसनैन वारेकर वेट करता है कि शायद ये तीनों डेप्टर्स जो हैं, इसको जो कर्जदार हैं, वो भी आएंगे, लेकिन तीनों कर्जदार में से कोई भी नहीं आता, तीनों मना कर जाते हैं। अब खाना शुरू होता है, खाना शुरू होने के बाद इनको शरबत परोसी जाती है। सारे के सारे लोग होते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, शुबिया होती है ग्राउंड फ्लोर पे, शुबिया के अलावा जो घर में अवेलेबल थे, शुबिया की 3 बहनें, जिसमें सुबीना, बतूल, मारिया और एक शुबिया खुद, इसके बाद अनवर, उनकी पत्नी असगरी वारेकर और हसनैन की बीवी जबीन, हसनैन की बेटी मुशायरा और एक और इसकी छोटी बेटी जो 4 महीने की थी उमैरा, ये सब इस घर में थे और कुछ भांजे भतीजे वगैरह भी मौजूद थे वहाँ पर। और कुल मिलाकर ये 16 लोग उस वक्त घर में मौजूद थे, इंक्लूडिंग हसनैन वारेकर। तो अब जब खाना हो जाता है, उसके बाद सबको शरबत परोसी जाती है। तो शरबत जैसे ही परोसी जाती है, तो फर्स्ट फ्लोर पर जो कि सारे मेंबर थे, नीचे शुबिया अकेली थी, तो सारे के सारे लोग फर्स्ट फ्लोर पर शरबत पीते ही सारे के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। शुबिया अपने कमरे में थी, ऊपर से जब सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, तो हसनैन वारेकर एक बकरीद पर बकरी काटने के लिए जो चाकू अनवर साहब लाए थे, वो चाकू उठाता है और एक एक करके लोगों का गला काटना शुरू करता है। हालांकि सारे लोग बेहोश हो चुके थे, लेकिन ये जो हसनैन वारेकर, इसकी पत्नी और इसकी माँ, ये दोनों असगरी और जबीन, ये दोनों उस लेवल पर बेहोश नहीं हुए थे कि इनको पता भी ना चले कि इनके साथ क्या किया जा रहा है। तो सारे लोगों को तो ये कत्ल कर ही देता है, लेकिन जब इसकी पत्नी का कत्ल करने के लिए जाता है, तो थोड़ा उसका होश बेहोशी की हालत में थी, कुछ कुछ उसको पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो भागने की कोशिश करती, रेंगने की कोशिश करती, वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे आने की कोशिश करती, लेकिन सीढ़ियों पर ही हसनैन वारेकर उसका गला काट देता है। इसके बाद ये जाता है अपनी माँ के पास, असगरी के पास, और असगरी इसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती है, लेकिन ये असगरी को नहीं बख्शता और ये अपनी माँ की भी जान इस चाकू से ले लेता है। और ये बात है करीब रात को 1 से 3 बजे तक की। अब हालांकि हसनैन वारेकर की जो माँ थी, वो कुछ वो किसी लेवल पर होश में आ चुकी थी, तो जैसे उसकी जान ली जाती है, तो वो चीखती है
और वो जब चीखती है तो उसकी चिल्लाहट की आवाज़ आती है शुभिया को, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर थी, ये अकेली थी जो ग्राउंड फ्लोर पर अवेलेबल थी। अब जैसे शुभिया को आवाज़ आती है तो ये भाग कर ऊपर आती है कि हुआ क्या है, और जब वो देखती है वहाँ का नज़ारा तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। पूरे सीढ़ियों पर, कमरों में, हॉल में, सब जगह खून बिखरा हुआ है। सारे के सारे लोगों की गर्दनें कटी हुई हैं, सारों की गर्दनों पर चाकू के निशान हैं, और वो देखती कि उसका भाई हसनैन अपने हाथ में चाकू लिए सबका कत्ल कर रहा है, एक-एक करके सब लोगों का गला काट रहा है। तो शुभिया वहाँ से भाग खड़ी होती है, लेकिन उसी वक्त हसनैन को पता चलता है, वो भी उसके पीछे भाग खड़ा होता है। वो उसको अटैक करता है ग्राउंड फ्लोर पर, बकायदा शुभिया के गले में कई चाकू के निशान होते हैं, लेकिन शुभिया जैसे तैसे खुद को अपने उसी कमरे में बंद कर लेती है और अंदर से दरवाज़ा लगा देती है जिसमें वो अभी तक बंद थी। शुभिया दरवाजे को लगा देती है, कई बार हसनैन उस दरवाजे को पीटता है इस उम्मीद में कि शुभिया शायद दरवाज़ा खोले ताकि उसकी भी जान ली जा सके, लेकिन शुभिया दरवाज़ा नहीं खोलती। उसके बाद वहाँ पर एक स्टील का ग्लास पड़ा होता है, तो स्टील के गिलास से खिड़की को पीटती है। और ये जो केसरवाड़ा वाली का जो इलाका था, ये ऐसा था कि यहाँ पर लोग देर रात को भी कोई ना कोई झगड़ा होता था, और ये बात वैसे थी 1 से 3 बजे के बीच की। तो यहाँ पर वो गिलास से दरवाज़ा, जो खिड़की है अपनी, खिड़की पीटती है, लोगों से बोलती है कि मुझे बचा लें, मेरे भाई ने सबको मार दिया और शायद मुझे भी मारने वाला है। तो कुछ लोग पड़ोसी भी थे, कुछ रिश्तेदार भी थे, कुछ आने जाने वाले लोग भी थे, राहगीर जो थे, तो कुछ लोग आते हैं और उसको बोलते हैं कि आगे से गेट खोलकर आ जाएं, लेकिन वो बताती है कि आगे गेट पर मेरा भाई हसनैन रह गया है और वो शायद मेरी भी जान नहीं बख्शेगा अगर मैंने उस तरह से आने की कोशिश की। तो लोग वहीं पर खिड़की का ग्रिल तोड़कर उसको जैसे तैसे बाहर निकालते हैं और उसको किसी तरह अस्पताल पहुँचाया जाता है। अस्पताल जब पहुँचाया जाता है और उसके तुरंत ही बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। जब पुलिस आती है और ग्राउंड फ्लोर को, फर्स्ट फ्लोर को जब खंगालती है, तो पता चलता है कि 16 में से जो 16 लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनमें से 15 लोगों की जान जा चुकी है, इंक्लूडिंग हसनैन वारेकर, और जो 16वीं शख्स जो थी शुभिया, वो अस्पताल में है, अपनी आखिरी सांसें शायद गिन रही है। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि ये शुभिया की खुशकिस्मती है कि उसकी गर्दन की नली कुछ इंचेस से बच गई है, कुछ मिलीमीटर से बच गई एक्चुअली, अदरवाइज़ वो भी आज इस दुनिया में नहीं होती और 15 की जगह 16 लाशें होती। तो अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, सारी चीज़ें खंगाली जाती है, हसनैन वारेकर की कॉल हिस्ट्री, कॉल डिटेल्स, उसके मैसेजेस, उसकी चैट्स वगैरह, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिलता है जिससे कि इस्टेब्लिश किया जा सके कि एक्चुअल में रीज़न क्या था इन सब गुनाहों के पीछे। तो पुलिस क्लूलेस ही रहती है। अब शुभिया का धीरे धीरे इलाज चलता है और ये उम्मीद भी होती है कि शायद शुभिया कुछ राज से पर्दा उठाए। तो अब जैसे ही शुभिया ठीक होती है तो उसकी कहानी सुनी जाती है, और शुभिया कहानी कुछ इस तरह बताती है, वो बताती है कि कुछ एंगल्स हो सकते हैं, उसको एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है, लेकिन कुछ एंगल्स हो सकते हैं, कुछ हैरत अंगेज़ चीज़ें बताती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हसनैन वारेकर जो था, उसने कुछ लोगों से काफ़ी ज़्यादा कर्ज ओढ़ रखा था। हालांकि उसकी फैमिली एक वेल साउंड थी फाइनेंशियली, लेकिन फिर भी उसने कुछ लोगों से काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ा ओढ़ रखा था, शायद अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 lakhs रुपीज़, जो कि कम नहीं होते। दूसरा ये रीज़न था कि जो बतूल थी, इनकी चौथी बहन, जिसकी उम्र थी 29 से 30 साल, जिसकी शादी नहीं हुई थी और जो मेंटली चैलेंज थी, दिमागी रूप से विकलांग थी, तो उसका मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था और उसके लिए डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शंस, कुछ गोलियां, कुछ टैबलेट्स वगैरह सुझाई थी। तो सुबिया का कहना था कि एक बार उसकी माँ असगरी ने हसनैन को ये गोलियां खाते हुए देखा था, तो शी सस्पेक्ट्स कि हो सकता है कि हसनैन भी मेंटली चैलेंज्ड हो या उसको भी कुछ मानसिक बीमारी हो। हालांकि असगरी ने जब हसनैन से पूछा कि ये गोलियां बतूल की है और ये मानसिक रोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, तो हसनैन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, इट्स ऑल फाइन लाइक दैट। तो इसके बाद सुबिया का कहना था कि एक बार उसकी बहन बतूल ने सारे फैमिली मेम्बर्स को बताया था कि उसका जो भाई है हसनैन,
उसने बतूल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और वो बाकायदा कुछ टाइम से उसके साथ ज़बरदस्ती करता आ रहा है, कुछ एलिसिट रिलेशनशिप्स बनाता आ रहा है जिसके बारे में वो किसी और को बता नहीं सकती थी। लेकिन फाइनली जिस दिन उसने ये सबको बताया तो सुबह का कहना था कि उस टाइम हसनैन वारेकर भी पर्दे के पीछे रह के ये सारी चीज़ें सुन रहा था, जो कि अपने आप में काफ़ी चौंका देने वाली है। तो कहानी का एक दूसरा पहलू ये भी था कि हो सकता है कि बतूल के साथ जो फिज़िकल रिलेशनशिप्स या जो भी उसने किए हैं तो उसको इस चीज़ का गिल्ट हो और उसको ये भी रहा हो कि घर वालों के सामने भांडा फूट चुका है, मैं किस तरह से अपना चेहरा दिखाऊंगा दुनिया के सामने और घर वालों से कैसे नज़रें मिला पाऊंगा, तो उस चीज़ का गुस्सा भी था उसको। इस वजह से हो सकता है कि उसने पूरी फैमिली को, पूरे जो भी उसके फैमिली में मेम्बर्स थे उनको मार डाला, और जो तीन शख्स को जिससे इसने कर्ज ले रखा था कि उसको शायद हो सकता है कि दिमाग में चल रहा हो कि पूरी फैमिली को भी कत्ल करना है और मुझे खुद भी कत्ल होना है, खुद भी मुझे मर जाना है, तो क्यों ना उन लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया जाए जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है। तो इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि शायद उसने जो लोगों से कर्ज ले रखा हो उनका कर्ज काफ़ी बढ़ गया और उनकी जो उनका तकादा बढ़ता जा रहा हो कि उनको पैसे चाहिए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो बतूल के साथ उसने किया वो सरासर गलत था ऑब्वियसली, तो हो सकता है कि उसको इस चीज़ का गिल्ट हो और उसको इस चीज़ का पछतावा भी हो कि उसने ऐसा क्यों किया। और अब एक और तीसरा चैलेंज ये कि अब घर वालों से वो नज़रें कैसे मिलाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इसकी हो सकता है कि ही वॉज मेंटली चैलेंज्ड एज वेल, और चूँकि वो बतूल की जो गोलियाँ हैं दवाइयाँ खा रहा है तो उस चीज़ का भी कुछ ना कुछ असर तो हसनैन वारेकर पर हुआ ही होगा। तो ये तीन एंगल्स निकल कर आते हैं, लेकिन जो कत्ल करने वाला शख्स था उसने खुद ही सुसाइड कर लिया है, तो अब इसका एक्चुअल रीज़न है वो पता करना काफ़ी मुश्किल है। ये कहानियाँ कुछ ऐसी है जो दिल को झकझोर कर रख देती है, लेकिन सच जो है वो यही है, दुनिया में कई तरह के लोग हैं जिसमें से हसनैन वारेकर भी एक हैं, और ये सब बुरा है। लेकिन पता है इससे बुरा और क्या है, इससे बुरा ये है कि लोगों का रिश्तों से भरोसा उड़ जाता है कि अगर एक बेटा अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी बच्ची को जो 4 महीने की थी, और अपनी माँ को, अपने बाप को अगर नहीं बख्शता है, और ऐसा एक लड़की के केस में भी हो चुका है, रेलू राम पूनिया की जो एक स्टोरी है उसमें एक लड़की अपने फैमिली के सारे मेम्बर्स को मार देती है अपने प्यार के लिए, तो रिश्ता ऐसा कोई नहीं जिस पर सवाल नहीं खड़े हुए हैं और जिसने अपने सगों के साथ दगा नहीं किया है। तो हालांकि मैं नहीं कहता कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, सारे रिश्ते को त्याग दें, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम कर जाते हैं कि हर किसी रिश्ते पर शक पैदा हो ही जाता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, गुड बाय, शुक्रिया।